नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो अभी तक हमने क्या लिखा, ये था बेसिक का थोड़ा ऊपर, यानी एडवांस जावास्क्रिप्ट और बेसिक के बीच का कह सकते हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो जो बताया था जिसमें परफॉर्मेंस इन जावास्क्रिप्ट तक देखा था, तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो वीडियोस थे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी कवर कर दिया हमने। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, 38 वीडियो समथिंग आ चुके, जाके देख सकते हो। तो अब से यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल ऐसे जैसे अभी बारिश का है, ये क्या बोलते हैं बादल गरजे, वैसे ही कि एडवांस जावास्क्रिप्ट का हम उस पर गरजने वाले हैं, मतलब उस पर गरजने वाले हैं। और एडवांस जावास्क्रिप्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ वेब डेवलपर की बात करें। बेसिक तो सारे लोग सीख रहे हैं, एडवांस में क्या, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कुछ रिपीट भी आएगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, ये जो है, ये सारे रिपीट भी आएगी। लेकिन एडवांस वर्जन भी होता है ना इसका, तो हमने तो अभी तक बेसिक सीखा, लेकिन एडवांस में भी हम देखेंगे। हाँ, इस जब एडवांस सीखेंगे थोड़ा बहुत बेसिक भी लेके चलेंगे कि बेसिक हमने ये सीखा, एक आधो एग्जांपल करेंगे, जिससे क्या है कि आपका रिपीट भी हो जाए और आपका थोड़ा रिविजन भी हो जाए। और दूसरी चीज़ है, जिसको नहीं भी पता, थोड़ा बेसिक नहीं देखा होगा, तो उनका भी बेसिक क्लियर फंडा हो जाए, ठीक है, फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये है, और थोड़ा एक दो एग्जांपल लेंगे, बता ज़्यादा नहीं लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करके फालतू का, क्योंकि ऑलरेडी पहले है, अवेलेबल है। तो बाकी एडवांस तो हमारा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्या टॉपिक होने वाला है, यहाँ से ये वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, एडवांस ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, जिसमें आपको थोड़ा बेसिक बताया जाएगा बेसिक, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। फिर इसमें सारे अंदर यहाँ पे और एडवांस जो फंक्शन है वगैरह वो आपको बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट मेथड है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट गेट एंड सेट है, ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन है। तो ये सारे जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, तो मैं अलग लिखे नहीं, बट जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको एक एक मेन चीज आपको समझा होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जाते हैं अब प्रैक्टिकल की ओर, जहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या यूज़ होता है, कौन से फंक्शन किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट। तो आ चुके हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल पे, और सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे रेडी रखा है, वो है पी टैग, जिसमें हम यहाँ पे डिस्प्ले पे देखेंगे रिजल्ट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर कॉन्स्ट रिजल्ट करके हमने वेरिएबल बनाया, जिसमें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और डेमो में हम दिखा देंगे यहाँ पे, लेकिन यही स्टोर होगा कहाँ पे, रिजल्ट के अंदर इनर स्टेबल। तो बेस्ट मेथड यही होता है रिजल्ट के लिए, ठीक है, स्टेबल पे, तो ध्यान रखिएगा, मतलब सॉरी जावास्क्रिप्ट पे। तो ये है, और अभी तक हमने डायरेक्ट यूज़ किया था, बट अभी इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं ये भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ये ऑब्जेक्ट ही है ना, राइट से ये, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है नॉर्मली, तो सिंपल सा यहाँ पे जैसे कोई वेरिएबल ले लो, लेट ले लो, कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट ले ले, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हम पर्सन ले लेते हैं, पर्सन, और सॉरी वेरिएबल का नाम ही है, और ऑब्जेक्ट ही समझ लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही मतलब है। और इसके अंदर हम डाल देते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम ये डाल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे कॉलम करेंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स करेंगे, और जिसमें फर्स्ट नेम के अंदर हम नाम डाल देंगे, ठीक है, और हम नाम डाल दिया, कॉमा हम इसे यूज़ कीजिए, स्पेस दीजिए थोड़ा, और फिर यहाँ पे लास्ट नाम, लास्ट नेम डाल दीजिए। ये भी ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है, जो कि बहुत टाइम आपने देखा ही होगा, मैंने यूज़ करा हुआ है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम डिस्कशन नहीं करेंगे, एक दो वैल्यू डालते हैं, ठीक है, और ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इसके बाद एक और कॉमा के लिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये एक नॉर्मल बेसिक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, जो कि मैंने कई बार आपको दिखाया हुआ है, जिसमें आपने देखा भी होगा, राइट। तो मैं पर्सन यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बता रहा है, ओके, राइट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो बता रहा है, मतलब हाँ बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट ही है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे और भी तरीके होते हैं, जैसे कि पहले एक अलग वेरिएबल बना लीजिए, ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यही डेटा आप नीचे भी डाल सकते हो। तो जब आप ये बेसिक ऑब्जेक्ट में जाके देखेंगे तो आपको सारे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो तो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, सारे ऑब्जेक्ट बना के लगभग 3-4 मेथड है, तो वो आप बेसिक ऑब्जेक्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। बट अब थोड़ा एडवांस में जाते हैं यहाँ पे, बट एडवांस में जाने के बाद आप सोचेंगे यार कौन से ऑब्जेक्ट, थोड़ा दिखा देते, चलो ठीक है, मतलब समझा देते। दिस का यूज़ करके यहाँ पे पर्सन देख लो, ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी डालो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दो, पैरामीटर पास कर दो, नीचे दिस करके यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम डाल दो इस तरह से, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि ये पर्सन है, कर्ली ब्रैकेट्स है, ऊपर डाल दिया और नीचे वैल्यू डाल दी, ठीक है, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, न्यू ऑब्जेक्ट करके भी कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जो मैंने थोड़ा आपको रिवाइव कर दिया, ऐसे कुछ आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि आप बेसिक में देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया आ जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन भी है, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि कैसे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं, मतलब न्यू का यूज़ करेंगे आप, जैसे कि वो न्यू आप यूज़ करना चाहिए, लिटरल यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, कॉन्स्ट के या लेटर यूज़ कर, लिटरल मतलब कि यहाँ पे ये हमेशा इस तरह से ही आप असाइन कीजिए, ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट के अंदर दिस वगैरह यूज़ होगा, ठीक है, तो वो भी है, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर आता है असाइन। असाइन के अंदर क्या होता है, तो असाइन के अंदर नॉर्मली हमें यहाँ पे पहले तो वेरिएबल क्रिएट करता है एक, ठीक है, थोड़ा दिखा देते आपको अब, ठीक है। और यहाँ से वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट, जिसमें यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इसके बीच में मैं कुछ इस तरह से, ये भी तरीका है, आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कंट्रोल वी कर देता हूँ, और फिर ये जो डेटा है वो थोड़ा नीचे दे देते, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब कॉमा कॉमा हमेशा यूज़ कीजिए लास्ट में, अगर कोई आपको नेक्स्ट वैल्यू डालनी है तो, जैसे कि मैं एज डाल रहा हूँ, एज के अंदर वैसे ही यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 30 कॉमा कंट्री डाल देते हैं, कंट्री, ठीक है। तो कंट्री के अंदर भी सेम आपको देना है इंडिया, ये तो स्ट्रिंग में आएगा, राइट, तो इंडिया, और फिर इसको कॉमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। और ये फिर फालतू की स्पेस मत रखिए, एक अच्छी आदत बनाते जाइए धीरे धीरे। और फिर यहाँ पे देखिए असाइन करेंगे, मतलब इससे पहले एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल, अबे वेरिएबल कहाँ से दिमाग में आ रहा है, पता नहीं, एक और यहाँ पे वेरिएबल, अभी फिर से वेरिएबल, हाँ ये सही है, वेरिएबल, इसमें वेरिएबल था, वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमने पर्सन वन यूज़ करना है, दो डेटा डालेंगे, ये मेरे शायद यूज़ करा हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, बट फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं वापस, जिसमें डेटा अलग डालते हैं, और ये मैंने शायद यूज़ कराया, अब इसमें मुझे दिखाने की ज़रूरत है या नहीं पता नहीं, फिर भी थोड़ा दिखा लेते हैं कोई, क्योंकि हमें साइन करना है अभी, यार काम ही नहीं कर रहा काम, यहाँ पे डाल रहे हैं टेक्नो, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट नेम में डाल लेते हैं, फर्स्ट नेम ये डाल दिया, फर्स्ट नेम ये ओके, राइट, यहाँ पे इक्वल आएगा तो ये भी ध्यान रखिए, और फिर यहाँ पे कॉमा करके यहाँ से स्पेस देके लास्ट नेम डाल लेते हैं, दो अलग अलग डालते हैं, मतलब दो वेरिएबल में दो अलग अलग यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ सिंपल सा लास्ट नेम में चैनल डाल लेते हैं, ठीक है, मैं चैनल डाल लेता हूँ, और फिर यहाँ पे कॉमा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका, ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, और इस मेथड से भी गया, दोनों मेथड हमने यूज़ कर दी, ये वाली कर दी, ये वाली कर दी, एक और भी आती है, बट एक और नहीं, तीन चार और भी आते हैं, बट आपने बेजिक में देखा होगा तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ, कैसे करूँगा असाइन, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का एक आपको मिलेगा ये प्रॉपर्टीज कह सकते, राइट, जावास्क्रिप्ट की। अब दोनों यहाँ पे डाल दीजिए, पर्सन ऑब्जेक्ट कॉमा पर्सन वन, ये दोनों यहाँ पे डालिए, ये हो चुका असाइन, जिसको असाइन कहते हैं, ठीक है, असाइन फंक्शन कह सकते हैं इसको। अब मान के चलो मुझे दिखनी है इसकी एंट्री, या फिर कह लो इसका एंट्री यहाँ पे दिखाना है, तो कैसे, असाइन तो हो चुका है, दो असाइन हो चुके, मतलब कि हमने यहाँ पे लगा तो लिए, असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट, असाइन कर दिया एक ही में, बट हमें देखनी है अलग अलग एंट्री, तो कैसे लिखे, देखिए आप इस डायरेक्ट भी देख सकते हो, नो डाउट, बट असाइन जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी एंट्री देखनी है तो कैसे देखना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स डाल देता हूँ, एक्स के अंदर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंट्रीज डॉट एंट्रीज, ये भी मैंने यूज़ करा है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, याद आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे एंट्रीज हम यूज़ करेंगे किसकी, तो पर्सन पहले देख लेते हैं, नॉर्मल पर्सन जो पहला है ऑब्जेक्ट उसका देख लेते हैं, कंट्रोल एस करेंगे फिलहाल, और यहाँ से जाते हैं ये पर्सन की जगह हम डाल देते हैं एक्स, एक्स में दिखाना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाले, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट नेम अंदर टेक्नो आ रहा है, लास्ट नेम अदर चैनल आ रहा है, एज 30, ये देखिए दोनों की वैल्यू आ रही है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इसे एक के नहीं, पर्सन में लिखा, एक बार फॉरवर्ड कर देते हैं, बेहतर आइडिया है। अब देखिए असाइन दोनों का मतलब मिक्स कर दिया, असाइन का मतलब होता है मिक्स, अब फर्स्ट की यहाँ पे वैल्यू आ रही है और सेकंड की वैल्यू आ रही है, मैंने डाला सिर्फ पर्सन, बट यहाँ पे देखिए जिसकी फर्स्ट दिखाना चाहते हैं आप, वही यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डालिए, जिसकी फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट नेम, इसका क्या फर्स्ट नेम है, टेक्नो, तो ये टेक्नो आ चुका है यहाँ पे, लास्ट नेम क्या है ये भी साथ साथ में आ रहा है, ठीक है, लास्ट नेम ऑब्वियसली चैनल है, और फिर यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, तो एज 30 और कंट्री इंडिया, ये किसके आ रहे हैं, यहाँ पे जो लिखे नहीं हमने, ये यहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि पर्सन वाले ऑब्जेक्ट में से आ रहे हैं, तो इस तरह से मतलब, ठीक है, आप कुछ भी मतलब यहाँ पे सिर्फ ने पर्सन डाला है, यहाँ पे पर्सन डाला, देखिए ये पर्सन डाला, फिर
फिर भी पर्सन की ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं आया, ये वाला नहीं आया, ये वाली वैल्यू पे आई यहाँ पे नहीं गई, बट एक्चुअली ये शो करे मतलब मिक्स कर दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट मैं इसकी जगह सिर्फ पर्सन बंद कर दूँ तो क्या ये फर्स्ट नेम के अंदर की बात की ये जो वैल्यू आएगी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, सिर्फ अब यहाँ पे असाइन में सिर्फ इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, पर्सन वन अलग निकाल दो इसका ही वैल्यू आएगी, अब ना तो वो एज वाला आ रहा है ना तो ये आ रहा है, ठीक है, सिर्फ पर्सन डालेंगे तो दोनों की वैल्यू आएगी, मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट डाला मैंने ये वाला तो दोनों की वैल्यू आएगी, लेकिन लास्ट वाला डाला तो आगे वाला नहीं आया, पीछे वाला मेरा जो आपने डाला वो उसकी वैल्यू आई, तो इसको असाइन या फिर कह सकते हैं एंटिस फंक्शन इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि सपोज यहाँ पे कोई एरर बना है जिसका प्राइस वगैरह रखा है आपने, कोई फ्रूट्स रखा है या फिर कोई क्लॉथ्स रखा है इसका प्राइस रखा है, तो सिर्फ प्राइस निकालनी है तो भी निकाल सकते हो आप सिंपल सा, ठीक है, और वो कैसे निकाले फ्रॉम एंट्रीज करके आए, यहाँ पे देखिए एंट्रीज डाला तो यहाँ पे आप फ्रॉम डाल दीजिए उसकी प्राइस एक्चुअल में निकलेगी, यहाँ पे फ्रॉम एंट्रीज कर देता हूँ कंट्रोल एस, तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी नहीं आएगी क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट है और हमने एरर फॉर्म में इसको यूज़ नहीं करा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि सपोज हमें ये जो अभी क्या हुआ था कि फर्स्ट नेम के साथ लिख के आ चुका था, लास्ट नेम साथ निकल के आ चुका था, ये वाला साली ये वाला क्या बोलते हैं नेम आ चुका था राइट, और फिर वैल्यू भी आ चुकी, लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी तो सिंपल सा यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है, जगह वैल्यू डाल दो, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू वैल्यू डाल दो, पर्सन वन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सिर्फ वैल्यू आई अब, ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह लिख के नहीं आया, और उसके जगह अब सिर्फ आपको वैल्यू ना साइज की निकालनी, मतलब ये वाली फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज कंट्री, तो सिंपल सा यहाँ पे लिखो जगह की कर दो, ठीक है, की कर दो और कंट्रोल एस, तो यहाँ पे की आ जाएगी किस 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 कंट्रोल एस, तो किस आ जाएगी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हमें पर्सन वन के देखा, अगर पर्सन कर दो मैं यहाँ पे तो ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब ठीक है, तो ये कुछ है एज कंट्री वगैरह, और ग्रुप बाय आ जाता है, मैप ग्रुप बाय ये सब कुछ आ जाता है, तो ऑलरेडी वीडियो आ चुका है जाके देख सकते हो, ठीक है, बेसिक में होगा उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये है एक मेथड भी हो चुका साथ साथ में, और थोड़ा डेफिनेशन तो पहले मैंने आपको दिखा दिया, ऑब्जेक्ट मेथड थे ये कुछ मेथड मैंने आपको दिखाया, ठीक है, अभी याद रखिए कि मेथड हमने कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद एक बीच का रह गया प्रोटोटाइप देख लेते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे प्रोटोटाइप का यूज़ करना होता है, जिससे कि मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसको कमेंट कर देते हैं और फिर यहाँ से इसको नीचे ले लेते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं, और कंट्रोल वी कहाँ से करेगा यहाँ पे, तो से हमने कॉपी पेस्ट नहीं करा क्योंकि इसमें मैं ऑब्जेक्ट वही यूज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करूँगा, ठीक है, तो इसको नीचे ले लेते हैं, एग्जाम्पल टू कर देते हैं, एग्जाम्पल टू बी आर टू, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और ये कमेंट हो चुका, नीचे ले लेते हैं कंट्रोल वी, और अब यहाँ पे क्या निकालना है, कॉन्स्ट को निकाल देते ये वाला, और पहले तो इसको अनकमेंट कर देते हैं, ये अनकमेंट कंट्रोल एस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और बस इसको भी निकाल देते साथ साथ में। अब सपोज मुझे यहाँ पे देखिए मैंने कहते डाल फर्स्ट नेम डाला लास्ट नेम एड डालना है, इसमें कुछ और ऐड करना है, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ नेशनलिटी, राइट, ये कंट्री वैसे डाला है बट नेशनलिटी इंडियन कर देता हूँ, इंडिया की जगह इंडियन कर दूंगा, एक और ऐड करता हूँ कंट्री इंडिया डाला है, ऑब्वियसली नेशनलिटी भी इंडिया इंडियन करता हूँ, चलो ठीक है, बट इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं फंक्शन को कन्वर्ट कर देता हूँ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर यहाँ से इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं, चलो फर्स्ट नेम डाल देते हैं और कॉमा लास्ट नेम फिर एज है, फिर क्या है कंट्री है, कंट्री अब इतने तो डाले मैंने राइट, डाले नहीं वैसे बट यहाँ पे मैंने यूज़ करे, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है दिस का यूज़ कर सकते हो आप फंक्शन के अंदर, दिस डॉट करके कर सकते हो, दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो कैपिटल में फर्स्ट यूज़ करेगी यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे वही डेल डालना है जो आपने पैरामीटर में पास करा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नेम डाल देते ये, ठीक है, और यहाँ से अब थोड़ा चेंजिंग आएगा, ध्यान से देखिए, और यहाँ इक्वल आएगा और फिर ये कॉमा वगैरह निकाल देते हैं, कॉमा मतलब ये कोटेशन निकाल देते, सेम कॉपी पेस्ट कर देते एक बार इसका कंट्रोल सी, और फिर एडिटिंग ही करें इसमें, इसको निकाल देते, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और नीचे ये कर्ली नहीं आएगा फंक्शन के अंदर, पैरेंथेसिस आएगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट, ओके ये यहाँ पे तो कर्ली आएगा नहीं, मैं थोड़ा गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो वैल्यू में तो आएगी कर्ली ब्रैकेट्स, मैंने पैरेंथेसिस पैरामीटर में यूज़ करा, राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सपोज मैं इसका चेंज कर लेता हूँ दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
यहाँ से लास्ट नेम डाल देते हैं। लास्ट ये कैपिटल में रखेंगे, दोनों सेम नहीं रखने, सामने वाला जो है वो अंदर पैरामीटर में आपने जो पास करा है वही डालना है, ठीक है। मैं लास्ट नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, ये लास्ट नेम, फिर कॉमा करके यहाँ पे कंट्रोल बी करके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको डालना है एज जो पैरामीटर में पास करा वो, और सामने आपको कैपिटल में डाल सकते हो या फिर जो भी आपको नाम डालना है, वेरिएबल का नाम कह सकते हो, वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं कैपिटल में कर देता हूँ, एक और आएगा कंट्रोल बी, और क्या था कंट्री, कंट्री के अंदर ये कंट्री डाल देंगे जो पैरामीटर में पास करा वो, और फिर यहाँ पे डाल देंगे दिस करके यहाँ पे कंट्री, ये कैपिटल में कर देता हूँ मैं कंट्री, राइट कंट्री, और साथ साथ में यहाँ से भी थोड़ा कैपिटल कर देते इस तरह, ठीक है। तो ये कंट्री हो चुका, बट अभी तक हमने डेटा क्या डाला इसमें कि ये कंट्री डाल दिया, अगर मैं नेशनलिटी ऐड करना, यहाँ पे एरर होगी, इक्वल नहीं आएगा फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हो चुका फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए मैं इंडियन डाल दे, मतलब सॉरी क्या बोलता हूँ, नेशनलिटी डालते हैं, तो कैसे डालेंगे, सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे पर्सन, यहाँ पे एरर, ओके यहाँ से ध्यान रखिएगी, यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखता है, थोड़ा यहाँ पे हमने मिस्टेक करी थी बट कोई बात नहीं, ये मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक हम सॉल्व कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहने नहीं चाहिए, मतलब सीधी सी बात करें तो, ठीक है। तो ये भी आप, अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पर्सन जो फंक्शन है उसके अंदर डॉट प्रोटोटाइप यूज़ करेंगे, और फिर ऐड करते हैं नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी हमारी, हम हिंदुस्तान से है तो इंडिया भी इंडियन डाल सकते हो, इंडियन, या फिर आपकी लैंग्वेज डालो, लैंग्वेज ही डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैं डाल दिया, तो ऑब्वियसली अब मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूँगा, रिजल्ट के अंदर पर्सन फंक्शन को कॉल कर दूंगा पर्सन, और यहाँ पे डील देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइन पर्सन, ओके एक चीज़ हमने नहीं करी कि यहाँ पे वैल्यू तो डाली नहीं भाई, क्या हमने यूज़ करा, ओके सही ना, अनडिफाइन आएगा क्योंकि हमने क्या करा है वेरिएबल के अंदर, ये सिर्फ पैरामीटर पास करा है, वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ऑब्वियसली वैल्यू लेने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ये थोड़ा पता नहीं दिक्कत कैसी होगी, दिमाग से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वैल्यू के लिए हम पर्सन डाल देते हैं, पर्सन वन, राइट पर्सन वन, वेरिएबल का नाम डाल देते हैं, ये पर्सन वन डाल दिया, और सिंपल सा आप पर्सन वैल्यू डालेंगे तो एक पर्सन ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, न्यू पर्सन, पर्सन के अंदर एक न्यू ऐड करो, ऊपर पर्सन ही लिए फंक्शन बनाया, राइट वो ध्यान रखिए, फंक्शन क्या था पर्सन, फंक्शन का नाम आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने पर्सन डाल तो पर्सन ही आएगा, यहाँ पे फंक्शन का नाम है, कोई और आप डाल रहे हो नाम तो फिर वही नेम है यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। अब इस फॉर्मेट में आपको डालना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट नेम के अंदर क्या डालेगा, कॉमा करके नीट, और फिर यहाँ से सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन अभी या कॉमा क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारी लास्ट नेम आ जाएगी, और फिर यहाँ पे कोटेशन, बट इसके लिए आपको कोटेशन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे क्या था एज 30, ठीक है, और कंट्री इंडिया, नंबर कोटेशन में नहीं डालेंगे तो चलेगा लेकिन ये डालना ज़रूरी है, और यहाँ पे कॉमा, और फिर मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं। तो ऑब्वियसली अब मैंने क्या डाला, इंडियन डाला नहीं है, अब इसको ना यहाँ से ये इसको ले लेते हैं और वेरिएबल को ले लेते हैं, यहाँ पे क्या था वेरिएबल, पर्सन पर्सन वन, कंट्रोल लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है ये बता रहा बड़ा, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, बट हमें क्या चाहिए, ये जो हमने ऐड करा है क्या वो है, मतलब कि ऐड हुआ या नहीं यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके पहले तो इसको फॉर्मेट कर देते हैं, मुझे कन्फ्यूजिंग लग रही है वैसे, बट फिर भी मैं एक बार बता दिखा देता हूँ ये, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट इसमें से मैं निकालूगा नेशनलिटी, ठीक है, आप कंट्रोल एस कर दें, तो इंडियन आ चुका, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, कन्फ्यूजिंग दूर हो चुकी थी बट अब दूर हो चुकी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने इंडियन ऐड करा, इंडिया सिर्फ ऐड करा, नो डाउट कंट्री ऐड करी, ये वाली ठीक है, बट ये वाले तो इंडियन हमने क्या इसमें डेटा डाला था, नहीं डाला था, इसमें भी डाला था, नहीं डाला था, बट एक्चुअली यहाँ पे पर्सन जो वेरिएबल है यहाँ पे हमने नहीं डाला, तो इसमें से आई कहाँ से, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए लेट पर्सन डॉट यहाँ पे यहाँ से एक मेथड हमने क्रिएट की प्रोटोटाइप, और फिर यहाँ पे सॉरी प्रोटोटाइप यहाँ पे लगाया, और जिसमें नेशनलिटी ऐड करी और इंडियन, यहाँ पे मैंने नेशनलिटी जैसे लिखा तो इंडियन आ जाएगा, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ कंट्री तो इंडिया आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्री तो इंडिया आएगा, यहाँ पे देखिए कंट्री 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 स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्री स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे इंडिया आ चुका, ठीक है, मतलब स्मॉल में नहीं ये वाला करना था। तो
इंडिया आ चुका, मतलब कि ये मैंने यूज़ करा नेशनलिटी जो कि इसके अंदर नहीं है फिर भी इंडियन है, बट ये वाला कंट्री यूज़ करा तो ये वाला इंडिया आ चुका, ठीक है। तो इस तरह से मतलब प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हो आप, प्रोटोटाइप कुछ ऐड करना है बाद में तो ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये हो चुका प्रोटोटाइप वगैरह, तो इसको अब कमेंट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं, अब कोई नाम नहीं लेते लेकिन डायरेक्ट एग्जाम्पल 3 लिख यहाँ पे कर देते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको भी कमेंट कर देते साथ साथ में, ये कमेंट और यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में कौन सा टॉपिक आएगा, देखिए हमें क्या क्या दिखा। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पहले देख लिए, बेसिक होता है वो, फिर प्रोटोटाइप भी अभी देख लिया, और मेथड तो पहले भी देख लिया जिसमें आपने यूज़ करा था, अभी वैल्यू हो गया, फिर न्यू हो गया, फिर साइन हो गया, फिर एंट्रीज हो गई, ये सब कुछ ठीक है, तो ये मेथड के अंदर आता है। फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। हाँ मैंने पहले भी प्रॉपर्टी मेथड वगैरह ऑब्जेक्ट में यूज़ किया लेकिन वो बेसिक थे, और ये साइन वगैरह साइन मैंने यूज़ करा था ऐसा मुझे लग रहा है, बट कुछ ऐसे हैं फंक्शन जो मेरे साइड उस टाइम नहीं यूज़ करे, तो ये आपको यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, और साथ साथ में रिपीट भी साथ साथ में और एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो डिफाइंड प्रॉपर्टी वगैरह करके कुछ आ रहा है इसमें, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वापस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और नीचे ले लेते हैं ये एग्जाम्पल 3 में, और इसको अनकमेंट कर देते हैं बाकी चीज़ जो था वो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि मुझे यहाँ पे अलग बाद में डिफाइन करना है, तो कैसे करूँगा, पहले यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज आ चुका है, इसमें हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, क्या करेंगे प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, जो अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड है उसमें यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। एक काम करते हैं यहाँ से इस कंट्री को निकाल लेते हैं और कंट्री ऐड करते हैं, राइट, अभी यहाँ पे नहीं है, और एक काम करते हैं ये जो रिजल्ट वाला है उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे रख देते हैं, कंट्रोल वी, मैं आपको दिखा रहता हूँ अभी क्या होगा ये, राइट, ये अनकमेंट करना है ये, और इसमें दिखा देते हैं आपको कंट्री है, कंट्री लिखा हुआ, राइट, कंट्रोल एस, तो क्या कंट्री आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं है ना, पर्सन के अंदर से आएगा ना पर्सन वन, अब यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं तो अनडिफाइंड आ रहा, मतलब डिफाइंड नहीं करा आपने, कंट्री लिख दिया लेकिन डिफाइंड नहीं करा, तो सिंपल सा हम अभी डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑन करेंगे तो कंट्री डालेंगे, बट कहाँ पे किस कहाँ पे ऐड करना है, तो ऑब्वियसली हम पर्सन वाले ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे, पर्सन कॉमा यहाँ से कोटेशन के अंदर कैपिटल में कंट्री करते हैं क्योंकि हमने नीचे डिफाइन करा है कैपिटल में, ठीक है, तो ये फिर कॉमा और इसमें वैल्यू डालेंगे, राइट, वैल्यू डालेंगे, वैल्यू, और फिर यहाँ से डाल देते हैं क्या कंट्री का नाम, इंडिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया डाल दिया, और ये आया कर्ली ब्रैकेट्स में, सॉरी कोटेशन में, फिर यहाँ पे कॉमा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, पहले तो फॉर्मेट करते हैं और कुछ इस तरह से, तो अब यहाँ पे कंट्रोल एस रिफ्रेश नहीं आया, कुछ एरर जरूर है, ये तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें ही होगा डिफाइन प्रॉपर्टीज, ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ध्यान रखें, दो प्रॉपर्टीज होते हैं, फिर से मैं डिफाइन लिखता हूँ, डिफाइन ये ऊपर वाला क्लिक कर दिया था ना, ये वाली करनी है प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टीज नहीं लेकिन प्रॉपर्टी, कंट्रोल एस, तो अब यहाँ पे अनडिफाइन आया, अब यहाँ पे पर्सन कंट्री, यहाँ पे दिक्कत लग रही है, ये दिख रही है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्री कंट्री ये सही है ना, कंट्री, तो कंट्रोल एस करते हैं अब यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, राइट, तो डिफाइन कर दिया लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, तो मतलब कि बाद में आप डिफाइन करने कुछ ऐड करना है इस पर्सन वाले ऑब्जेक्ट में, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज बाद में डालना है तो डाल सकते हो इस मेथड से, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है यहाँ पे, और फिर बाद में अगर वैल्यू चेंज करनी है तो कर सकते हो, सिंपल सा कुछ नहीं, इसमें कोई अगर प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है, इंडिया की जगह इंडियन कर देते हैं, तो बस यही तो है चेंजिंग में, यहाँ पे देखिए इंडियन आ चुका ये, ठीक है। और सपोज मुझे यहाँ पे निकालना है ये वाला जिसको कहते हैं नेम, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूँगा, गेट वन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, गेट वन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी नेम पहले कर लेते हैं, गेट वन प्रॉपर्टी, कंट्रोल एस करते हैं तो अनडिफाइन आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी डायरेक्ट नेम निकालना चाहा लेकिन यहाँ पे क्या दिया, अलग अलग हमने निकाला, तो क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे, इस तरह से इसको निकाल देते हैं, सिंपल सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं,
और ऑब्जेक्ट के अंदर कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ओके, ये तो अभी इस तरह से नहीं आएगा, मैंने गलती करी, ये जो चीज़ है मैं इसको इसको रखने देते, लास्ट का क्या था हमारा, ये डिफाइन करा था ना, ये वाला रखते हैं डिफाइन प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और सिंपल सा प्रॉपर्टी निकालनी मुझे, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी बाय नेम था शायद वही था, कहाँ गया, ये प्रॉपर्टी नेम्स इसको कर देते, और किसकी प्रॉपर्टी निकालनी, तो अभी पर्सन वाली प्रॉपर्टी निकाली, पर्सन ऑब्जेक्ट की कंट्रोलाइज करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज कंट्री आ जाएगी। फिर उसके बाद कीज की बात करते, कीज भी निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट की कीज, यहाँ पे निकालो, कंट्रोलाइज करो तो भी कीज भी आ जाएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, लेकिन अब क्या उनसे आई, ये वाली नहीं आई डिफाइन वाली, ये वाली आई, राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ इस तरह से मतलब यूज़ कर सकते हो कुछ फंक्शंस और ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो चुकी और ये प्रॉपर्टीज़ वाला हमारा काम हो चुका। गेट एंड सेट देख लेते, पहले गेट वैल्यू देखा दे, गेट कैसे निकालना, मतलब गेट कैसे करना, तो सिंपल सा यहाँ पे मैं इसी में यूज़ कर लेता हूँ, ये अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, और एक काम करते हैं, ये तो रखते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बेहतर आइडिया आपको फ्यूचर में आता जाएगा, एक साथ कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी करके, ये नंबर 4 कौन सा प्रैक्टिकल है देख लेते हैं, मुझे नहीं लगता नंबर 4 है, 3 2 1, नहीं नहीं 4 ही सही है, 4 ही है, और इसको अनकमेंट कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट तक, ठीक है, तो ये हो चुका, और ये स्क्रिप्ट थोड़ा नीचे ले लेते कंट्रोल एस, तो ये कुछ इस तरह से आ चुका, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से इसमें निकाल देते, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल देते, ये निकाल दिया, कंट्रोल एस करते हैं, गेट वैल्यू करते हैं, तो सिंपल सा मुझे इसमें से कोई वैल्यू गेट करना है, तो क्या करूँगा मैं, तो एक फंक्शन का नाम मतलब फंक्शन बना लेंगे, बट उससे पहले गेट यूज़ करेंगे, गेट यहाँ से मुझे निकालना है कोई वैल्यू, डाल देते वैल्यू, राइट, इसका मतलब वैल्यू फंक्शन का नाम है, मैं फंक्शन बना लेता हूँ इसमें, ठीक है, और इसमें फंक्शन के अंदर क्या डालेंगे, दिस करके हम कोई वैल्यू निकाल दें, अभी दिस डॉट मुझे निकालना है फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम एज, तो मैं लास्ट नेम निकाल देता, राइट, लास्ट नेम निकाल देते हैं, और फिर एक चीज़ हो यहाँ पे रिटर्न में तो मिलना चाहिए, रिटर्न नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रिटर्न, और रिटर्न अभी चला गया, दिस स्पेस नहीं दिया ना मैंने, यहाँ से रिटर्न डॉट, आई मीन से डॉट नहीं आएगा, बट ये रिटर्न कर दिया मैंने, फॉर्मेट कर थोड़ा, तो कंट्रोल एस, और अब यहाँ पे वैल्यू हम ले क्या लेना हमें, कि पर्सन में से जो पर्सन में से क्या निकालना है, तो ये वाला फंक्शन की वैल्यू निकाल दे, राइट, तो सिंपल सा मैं पर्सन हमारा जो है वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्या था ये वैल्यू निकाल देते, तो कंट्रोल एस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाले सेकंड वाली आ चुकी, सपोज मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, नो डाउट, इसमें क्या बड़ी बात है, सिंपल से यहाँ पे मैं दिस करके वापस कर देता हूँ, दिस भाई यार इसके साथ में जोड़ दे, चलो ठीक है, प्लस करके मैं डाल देता हूँ दिस डॉट एज, ठीक है, तो मैं एज डालूंगा तो यहाँ पे एज भी आ जाएगा साथ साथ में, ठीक है, तो ये भी स्पेस वगैरह आप बाद में देख सकते हो, तो ये मतलब इस तरह से भी आप गेट भी कर सकते हो वैल्यू को। अब सपोज मुझे इसमें सेट करना है, देखिए गेट तो करना था लेकिन थोड़ा सेट करना डिफिकल्टी है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं लेकिन कर सकते हो, सब मुझे इसमें ये वैल्यू हमने एज डाली है 30, राइट, इसको मैं 31 कर देता हूँ, क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे एज लिख दूंगा एज, और सही है एज, और इसमें वैल्यू पैरामीटर पास कर देते वैल्यू, और इसके अंदर से दिस डॉट एज इसको निकाल देते, दिस डॉट एज के अंदर यहाँ पे आप रिटर्न नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट कॉल करवाएंगे रिटर्न रिटर्न रिटर्न, और फिर यहाँ पे वैल्यू पास करवा देंगे कि हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एरर एरर एज, ओके, यहाँ पे सेम फंक्शन का नाम और अंदर वेरिएबल का नाम सेम नहीं, यहाँ पे मैं एज इस तरह से डाल लेता हूँ, ये भी नहीं चलेगा, ईयर्स लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ईयर्स लिख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से, और ये हो चुका, और इसके सामने जो गेट है उसकी जगह सेट कर दो सेट, ठीक है, मैंने सेट कर दिया कंट्रोल एस, तो एज ये चल जाता क्या, सेट ये गेट की वजह से नहीं हो रहा था क्या, बट कन्वेंशन ये देख लेते चल जाता, लेकिन हम नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है, हमें ईयर ही निकल कर लिखना है, ईयर लिख लेते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, ये हो चुका अनडिफाइंड फिलहाल इस टाइम आ रहा है, और सेट वैल्यू वैल्यू सेट करेंगे वैल्यू, और अब सिंपल सा इसके बाद क्या करना है, जो पर्सन ऑब्जेक्ट है
में जो फंक्शन है क्या था, ये फुल ईयर, ईयर क्या था, ईयर, राइट, ईयर, ईयर है, उसमें यहाँ पे वैल्यू सेट कर दो। अब मैं 31 करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 31 यहाँ पे मैंने 31 वैल्यू सेट कर दी इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा वो देख लेना। अभी कंट्रोल एस करते हैं और फिर मैं अभी इसमें चेंज करता हूँ, पर्सन में से वैल्यू निकालो एज, एज कंट्रोल एस करते हैं, तो आ चुका है 31, जो कि एक्चुअल हमने ये लिखी है 30, बट इसमें जब फंक्शन बनाया गया, सेट करा हमने वैल्यू को, सेट करा, एक्चुअली पहले हमने 30 लिखा था, लेकिन जब हम ये फंक्शन हमने यूज़ करा सेट का, जिसमें ईयर नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें एक पैरामीटर पास करा वैल्यू, और यहाँ पे वो पास होगा, और दिस एज मतलब ये वाले एज है उसके अंदर ये पर्सन डॉट ईयर, ये पर्सन के अंदर ईयर जो फंक्शन है इसमें 31 करवा दो, बस ये आउटपुट के लिए होता है, मतलब 31 आ जाओ। मैं यहाँ पे 32 कर दो, 32 आ जाएगा, कंट्रोल एस, तो 32 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं 31 करता हूँ तो क्या 31 आएगा, नहीं आएगा, कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेथड हो गया सेट का। अब इसके बाद क्या है देख लेते हैं, तो प्रोटेक्शन, ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन सेट गया, ठीक है, प्रॉपर्टीज मेथड सबको दिख लिया, जो बाकी थे वो इंपॉर्टेंट से वो हमने देख लिए, बाकी ऑलरेडी बेसिक में बहुत कुछ खासा समझा दिया था, लेकिन जो बाकी थे कुछ फंक्शन वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, एडवांस फंक्शन ये किसको कह सकते, ठीक है। प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली इसको कॉपी पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको कमेंट के साथ साथ कमेंट भी कर देंगे, ये कमेंट हो चुका, और फिर इसके नीचे एक ले लेते हैं एग्जांपल 5। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, और ये सारे इस बीच में निकाल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट में क्या है कि सपोज मैं अभी अभी तक हमने असाइन किया, ऐड करा, सेट करा, जो भी करा, ठीक है, बट यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी ऐसी आती है जिसको ये सब करने में अलाउ नहीं करता, क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर डॉट प्रिवेंशन करके एक एक्सटेंशन, प्रिवेंशन एक्सटेंशन करके एक आ रहा है प्रॉपर्टीज, और ये जो प्रॉपर्टी है जो पर्सन हम ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग अलाउ नहीं करेगा, मतलब ऐड करने नहीं देगा, ठीक है, बस वही चीज़ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई ऐड करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, बट मैं अलग तरीके से थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, एरर वगैरह दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ एरर शो करे हमें, और उस एरर के थ्रू मतलब एक कैच करना, कोड टेस्टिंग करना चाहता हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट ऐड करना चाहूँ तो आपको पता नहीं चलेगा, एक्चुअली कंसोल में देख सकते हो नो डाउट, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे एचटीएमएल में दिखाना चाहता हूँ कैसे। तो सिंपल सा हम ट्राई का यूज़ करेंगे, ट्राई और कैच का हमने यूज़ करा हुआ पहले, आपने देखा होगा, एक वेरिएबल लेंगे और इसमें स्ट्रिंग लगा देंगे, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाए। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ट्राई, ट्राई, राइट, ट्राई, और ट्राई के अंदर यूज़ करेंगे हम कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एज डाल दिया, इसमें हम डाल देते हैं जो पर्सन है उसके अंदर, यहाँ से पर्सन है उसके अंदर ऐड कर दो कंट्री, कंट्री ऐड साइड नहीं है, ओके राइट, तो कंट्री ऐड कर देंगे यहाँ पे और इंडिया डाल देंगे, ठीक है। अभी कंट्रोल एस करते हैं कुछ आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा आउटपुट, लेकिन एक्चुअल आउटपुट आएगा कैसे, मतलब क्या आएगा, एरर आएगी, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता, पहले तो फॉर्मेट कर देते और ट्राई कैच यहाँ पे देते और यहाँ पे कैच को ले लेते हैं, कैच, और कैच के अंदर हम यहाँ पे एरर का एक वेरिएबल बनाते हैं एरर, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे जो एक्स हमने डाला है वेरिएबल, इसके सामने एरर वेरिएबल पास करवा लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे 31 आया, बट कौन सा आया, ये वाला एज, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से इसको ले रखा है, ठीक है। तो इसको अभी निकालना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ये वाला वेरिएबल, कौन सा, ये रहा एक्स, एक्स डाल देते हैं, अब यहाँ पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे एरर, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, कुछ आया आउटपुट, नहीं आया, तो इसको ना एक बार थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह कर देते हैं। तो ये चीज़ हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ से मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पे सेमी कॉल, ये सेमी कॉल वगैरह भूलना नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ भी ये कुछ है, और यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ करते हैं, हमने क्या यूज़ करा, एक्स डाल दिया, तो ये तो सही है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं वो है यूज स्ट्रिक, यूज स्ट्रिक, स्ट्रिक्ट, यूज स्ट्रिक कैसे यूज़ करना है, क्या है इसका बेनिफिट, वो आपने देखा होगा यूज स्ट्रिक वाले ऑप्शन में, सॉरी वीडियो में, तो पता चलेगा,
एरर निकालता है। अब देखते हैं यहाँ पे एरर क्या है। टाइप एरर कांट डिफाइन प्रॉपर्टी कंट्री ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सटेंसिबल, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी डाली है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमने यूज करा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंशन एक्सटेंशन पर्सन, पर्सन के अंदर आप एक्सटेंशन अब मत लीजिए, मतलब इसके बाद ऐड ही मत कीजिए। और जब हमने इसकी जगह ऐड करने की कोशिश की तो वो अब यहाँ पे एरर शो करा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। एरर देखने के लिए आपको यूज ट्री की यूज़ करना है और यहाँ पे डिफाइन वैसे करेगा ही जब। ठीक है, तो इस तरह से मतलब, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि प्रिवेंशन एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो इसके अंदर बाद में आप ऐड नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी डेटा। तो ये चीज़ है यहाँ से कुछ इस तरह से, यूज ट्रिक हमेशा यूज़ की ताकि एरर यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करे। अब सपोज मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी और फिर इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अब मैं थोड़ा चेंज कर, सपोज आप सोच रहे हो यहाँ पे तो मैं प्रिवेंशन एक्टिविटी बाद में मुझे अलाउ भी करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ, ट्राई कैच को निकाल लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं और यूज ट्री की भी जरूरत नहीं। आपको फॉल्स ट्रू में देखने को मिलेगा आंसर। ठीक है, अगर फॉल्स मतलब कि अलाउड नहीं है और ट्रू मतलब अलाउड है तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे डिफाइन मतलब दिखाने के लिए एक्स, एक्स के अंदर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल इज एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड करो, क्या ये अलाउ करेगा यहाँ पे पर्सन, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। देखिए पहले मैंने यूज करा ऊपर इसलिए यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा, बट कुछ एरर क्या है यहाँ पे, एरर क्या है यहाँ पे कॉमा सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन यूज करते हैं, लेट एक्स यहाँ से एक्स का क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, कंट्रोल एस एस एक्स भी डाला है, ओके ये कैपिटल है यूज़ करा, अब भी यार स्मॉल स्मॉल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक काम करते हैं इसमें नेम डाल लेते हैं, रिजल्ट आंसर डाल देते हैं, आंसर आंसर एक्स साइड अलाउड नहीं करता इसमें मुझे लग रहा है, एक्स 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 आंसर। ठीक है, ये आंसर डाल दिया तो ये प्रॉपर हो चुका। अगर फॉर्मेट करते हैं ऊपर एरर आ रही है कुछ बट बताएं, कंट्रोल एस करते हैं तो इसमें देख लेना पड़ेगा, कॉमा सेमी कॉलन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है और ये भी ठीक है, लेट आंसर इसमें लेट आंसर वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का आपने कॉपी पेस्ट करा ऑब्जेक्ट डॉट एक्सटेंसिबल पर्सन, ये एरर क्यों आ रही है क्या ऊपर मैंने, ओके यहाँ से कुछ दिक्कत है, ये यूज ट्रिक लगा हुआ ना, ये निकाल दो भाई, यूज ट्रिक लगा है तो फिर आपको कुछ भी अलाउ करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, इसको कमेंट कर दो भैया वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं सोचा आंसर क्यों ना, लेकिन अब आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आया रिजल्ट, क्यों फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटेंसिबल अब अलाउड नहीं करा, पहले ही यूज़ करा। सपोज इसको मैं कमेंट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है निकल भी चुका, चलो ठीक है कंट्रोल एस करते तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कि अब यहाँ पे अलाउ करेगा एक्सटेंसिबल। हाँ इसमें आप कुछ ऐड वगैरह कर सकते हो बट जब तक ये लगा है ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिवेंशन एक्सटेंशन तब तक अलाउ नहीं करेगा, मतलब सीधा तौर से फॉल्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक्स क्यों अलाउ नहीं कर, लेकिन ऊपर यूज ट्रिक था, कोई भी एक्स भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं आंसर लिखा तो आंसर ही, बट एक्स भी आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो एक्स, मैंने यहाँ पे देखिए अब मैं यूज़ करा तो एरर आई नहीं आ रही क्योंकि ऊपर यूज ट्रिक करा था, यूज ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंस है कोड के अंदर, तो ध्यान दीजिए कुछ भी गलती होगी ना तो यूज ट्रिक अलाउड नहीं करता इसलिए। ठीक है, तो ये ऊपर अलाउड था मतलब कमेंट नहीं करता इसलिए ये था, और यूज ट्रिक जहाँ पे लिखा उसके नीचे का कोड सारा वो काउंट करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रैक्टिकल देख ले, सील, सील फंक्शन कैसे यूज करना है, सील का मतलब क्या होता है, सील मतलब सील मार दो उसको, आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, तो यही चीज़ है, जैसे कि सपोज मैं ये ऊपर वाला है वापस कमेंट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल 5 से ये इतना, ठीक है कंट्रोल सी और नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से पेस्ट। ठीक है, तो ये हो चुका और इसको ले लेते हैं कमेंट्स में से अनकमेंट कंट्रोल सी, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉरी प्रॉपर्टी मिलेगी ऑब्जेक्ट डॉट सील, ये कर दो सील, बाकी का काम ये करेगा, टाइप एरर कंट्री इज नॉट एक्सटेंशन, लेकिन इसमें चेंज करना है, देखिए हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब क्या डिलीट करने की कोशिश करनी है, क्या डिलीट करना चाहूँगा मैं, तो सिंपल सा यहाँ पे डिलीट करेंगे, डिलीट करें या फिर जो भी हो डिलीट करते हैं डॉट पर्सन जो ऑब्जेक्ट है पर्सन डॉट, मैं यह डिलीट करना चाहता हूँ
लास्ट नेम, या फिर एज भी कर सकते थे आप, लास्ट नेम, ठीक है। मैं लास्ट नेम डिलीट करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा, बट इसके पहले यहाँ से आपको यूज़ करना है वैल्यू को निकालनी, मतलब ठीक है एक्स के अंदर से आपको वैल्यू निकालनी है। वो सिंपल से ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालेगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, पर्सन में से निकालेंगे, ठीक है। तो साथ साथ ये भी ध्यान रखिए पर्सन, अब यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक एरर है, तो यहाँ से स्पेस देना पड़ेगा, कंट्रोल एस। तो देखिए रेफरेंस एरर है, मतलब लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, लास्ट नेम नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सील कर दिया है इसलिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब लास्ट नॉट लास्ट ये डिफाइन, मतलब इसको दिखेगा यानी कि लास्ट लास्ट नेम वगैरह निकालना है वगैरह कुछ, मतलब पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सील कर दिया आपने। एज को यहाँ पे ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे एज का जाएगा, एज इज नॉट डिफाइंड, बट इसका एक्चुअल डेटा हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हो। जैसे कि मैं इसको अभी कमेंट सील से हटा देता हूँ, यहाँ से ये मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे अब क्या एरर शो करेगा, यूज ट्री को निकाल लेते हैं, ये भी बहुत भारी काम है इसका, तो इसको निकाल देते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड कर देते, कंट्रोल एस करते। अब यहाँ पे मैं अभी की ठीक है, मैं इसको अभी आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट को और डेटा को, तो मैं पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ, हमने क्या किया एक साथ कर दिया था तो अच्छा होता, कोई बात नहीं। पर्सन के अंदर से मैं यहाँ से क्या था ये, ग्रेट एक्स के अंदर से नहीं, पर्सन से अंदर निकालना, पर्सन डॉट एज, तो क्या ये डेटा शो करेगा, करेगा ना भाई, 30 बात क्या दिक्कत है, करेगा। लेकिन मैं यही चीज़ मैं निकालता हूँ यहाँ से इसको, ठीक है, इसको अनकमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये डिलीट करने की कोशिश की, फिर भी वो डेटा शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सील को कर दूँ यहाँ पे ऑन, तो भी यहाँ पे डेटा शो कर रहा है, ठीक है अभी भी। और मैं जैसे ही यूज ट्री का यूज़ करूँगा कंट्रोल एस, तो भी यहाँ पे डेटा शो कर रहा है, मतलब कि डेटा शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी डेटा शो कर रहा है, जैसे आप डायरिंग निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। लेकिन मैं इसकी जगह यूज़ कर देता हूँ ये वेरिएबल जो हमने स्टोर करवाया डिलीट करने का, क्या था एक्स था शायद, कंट्रोल एस कर दें, तो फिर रेफरेंस एरर आएगी, एज इज नॉट डिफाइन करके आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ फ्रीज, सेम इसी तरह का ये प्रॉपर्टीज भी है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल सी करके इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और ऊपर वाला जो प्रैक्टिकल है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट जो प्रैक्टिकल करा वो कमेंट कीजिए, वरना लास्ट वाला आउटपुट शो करेगा, फिर आप कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएंगे। एक ही कर दे तो अलग अलग करते कोई दिक्कत नहीं, सिक्स और यहाँ पे मैं सेवन नंबर डाल देता हूँ, सेवन नंबर का प्रैक्टिकल है और ये हमारा है एट, ठीक है। तो ये हो चुका एट, कंट्रोल एस करते फिलहाल स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करने का प्रोसेस होगा आपको असाइन करना है, मतलब ऐड मतलब असाइन करना है, मतलब जोड़ना है वापस, इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि असाइन मतलब कि इस एज को मैं चेंज करूँ वापस, ठीक है। तो कर सकता हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो ऐड कर सकते हो, ट्राई करो एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो पर्सन है डॉट एज को चेंज कर देता हूँ इक्वल करके, एज क्या थी अभी 31 है, तो 32 कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। तो देख सकते हो अब एज 32 हो चुकी है यहाँ पे, ये नेम के साथ आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट मैं एक चीज़ और करता हूँ यहाँ से, ये प्रॉपर्टी सील है बट चेंज कर सकते हो असाइन में, सील वगैरह, ठीक है। बट यहाँ पे फ्रीज का भी आएगा, फ्रीज करके एक प्रॉपर्टीज है, कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइप एरर, एज इज रीड ओनली, मतलब कि आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ही कर सकते हो। मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ 33, ठीक है 33 कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। और यहाँ पे भी चेंज कर दो तो भी कुछ एरर आई, यहाँ पे 34 5 कर देते, और यहाँ पे तो भी कुछ आया, अभी ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये मतलब कुछ आ रहा है नहीं, यहाँ पे सीधे तौर पर फ्रीज हो चुका भाई, आप चेंज नहीं कर सकते, ट्राई जो कर ट्राई कर रहे हो आप वो नहीं कर सकते हो, रीड ओनली है, इसको चेंज कर ही नहीं सकते हो सिर्फ फ्रिज के अंदर। फ्रिज मतलब कि नॉर्मली फ्रिज के अंदर बर्फ जम होता है, मतलब जाम हो जाता है, वैसे ही जाम हो जाता है भाई, अब इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप रीड कर सकते हो, बाकी तो नहीं कर सकते हो, मतलब कि चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक ये लगा है। तो इसको मैं निकाल दूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू शो करिए 33, कौन से वाली, ये वाली, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की है, ट्राई करा, ये वाली अलाउ नहीं करेगी, ये वाली अलाउ करेगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो चुका फ्रिज, कंट्रोल एस। तो चलिए इसको भी आप कमेंट वापस कर देते हैं और यूज ट्रिक वगैरह निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एरर वगैरह देखना है तो यूज ट्रिक का यूज़ किया ताकि एरर वगैरह शो करे। अब वापस इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से मैं नंबर 9 प्रैक्टिकल कर देता हूँ,
ठीक है, तो ये हो चुका। और इसको अब निकाल लेते हैं, क्या क्या निकालना है, एक तो यू स्ट्रिप निकाल देना है, लास्ट वाला प्रैक्टिकल देख लेते हैं, हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन, ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन में ज़्यादा प्रैक्टिकल हम नहीं करें, बाकी ये तो नॉर्मल बेसिक थे कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा बाकी थे जो हमने बेसिक वाले मेथड में, सॉरी फंक्शन में, ऑब्जेक्ट में नहीं दिखा था, ठीक है। तो वो थोड़े बेसिक जो फंक्शन बाकी थे इसमें वो दिखा दिए, सेट बेट और प्रॉपर्टीज मेथड के अंदर, प्रोटोटाइप के अंदर, और डेफिनेशन में तो बेसिक समझा रहे, लेकिन प्रोटेक्शन का बाकी था, तो वो अभी आपने देखा होगा, बहुत अच्छे खासे प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा, और अच्छे खासी फंक्शन भी देखने को मिले। एक और फंक्शन लास्ट वाला देख लेते हैं, और ये प्रॉपर्टीज का नाम है इस सेल, मतलब यहाँ पे मैंने गलती करी है, ये जो समझाने पहले समझाया उससे पहले मुझे सेल के अंदर समझाना चाहिए। जैसे आप देखिए इसमें कुछ जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ से मैंने यूज़ करा कहाँ पे, ये वाला, तो इस प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने सील किया, लेकिन इस सेल का मतलब यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा, जो कि ये वाला हम प्रैक्टिकल यूज करता, राइट। ऑब्जेक्ट प्रिवेंस एक्सटेंशन हमने यूज कर लिया, बाद में इस एक्सटेंशन पहले यूज करा कि हम एक्सटेंड कर दो भाई ऐड करने के लिए, बट इसमें आंसर क्या था, फॉल्स। वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही है, ये सील्स और वगैरह यूज कर, सील के जरिए इच सेल का एक प्रॉपर्टी जाएगा, मैं एक बता देता हूँ, अगर यहाँ पे दिखता है देखने को मिले, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना अनकमेंट करके आपको दिखा देते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे एक्चुअली मैं आउटपुट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यूज कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर इच सेल करके एक आएगा, इच सेल जी, ये देखिए ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, जैसे हमने ऊपर यूज करा वैसे ही ये वाला, ठीक है। पहले सील वाला यूज कीजिए, फिर इस सेल वाला यूज कीजिए, तो आंसर फॉल्स आएगा, और अगर सील वाला हटा देंगे, इस सील करेंगे तो ट्रू वगैरह आएगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये भी है, ये वाला यूज किया वैसे ही है, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंट नहीं था, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। और आगे की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसमें क्या था लास्ट, सील वाला, ठीक है, तो ये छोड़ दिया मैंने यहाँ से, और आगे की जो प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं, और वो है इसमें जो फ्रीज यूज किया, ठीक है, ये फ्रीज यूज किया वैसे ही, आप एक और प्रॉपर्टीज आएगी, ये सील वाला मैंने कॉपी करा हुआ है या, ओके कोई बात नहीं, काम करते हैं इसको निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते, राइट, या फिर काम करते हैं इसको, ये जो ऊपर प्रैक्टिकल है, देखिए सील और अनसील वैसे ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे यूज़ करना होगा, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से मैं यहाँ पे रख देता हूँ कंट्रोल वी, और ऑब्जेक्ट भी चाहिए हमें, ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कंट्रोल सी, ये इसको यहाँ पे रख देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है, तो ये हो चुका। इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसका भी अनकमेंट, इसको भी अनकमेंट, अलग अलग शायद हमने करा हुआ क्या पता नहीं, ये भी अनकमेंट, ठीक है, तो आंसर आ चुका फॉल्स, लेकिन ये क्या यूज करा हुआ है, प्रिवेंशन एक्सटेंशन, तो अभी इसमें चेंज करना है। क्या हमने यूज करा, फ्रीज यूज किया था लास्ट, पहले फ्रीज का यूज करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज आएगी जिसको लिख लेते हैं, बैक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इज फॉर के एग्जैक्ट, या इज फ्रोजन, फ्रोजन ये वाली प्रॉपर्टीज है बस, कुछ नहीं इसमें, आंसर इसमें ट्रू आएगा, ठीक है, बस वही है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो चुका है, फ्रीजन और फ्रीज वगैरह, बस ये कुछ नहीं चेक करता है कि ये फ्रीज है या नहीं, या फ्रीज फ्रोजन है या नहीं, बट ठीक है, मतलब अलाउ करता है या नहीं, ट्रू हाँ कर सकती हूँ, अलाउ फ्रोजन मतलब फ्रीज है, राइट, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है, तो बस ये चीज है, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इस तरह से रख भी सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो चुकी है, यहाँ पे कौन सा था, ये लास्ट वाला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के अंदर, तो ये था एडवांस ऑब्जेक्ट, जिसमें एडवांस हमने कुछ सीखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हमने बेसिक में ऑब्जेक्ट में नहीं सिखाए थे, और बेसिक में तो हमने इसमें कुछ बहुत सारे मेथड भी समझाए थे, फंक्शन भी समझाए थे, लेकिन कुछ फंक्शन बाकी थे प्रोटोटाइप के अंदर, मेथड के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, गेट सेट के अंदर, डेफिनेशन के अंदर, तो वो तो मैंने अभी आगे आपको दिखा दिए, बट एक प्रोटेक्शन था इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा था, एडवांस कह सकते हैं, जो कि ये सारे फंक्शन हमने उस टाइम नहीं सिखाए थे, तो ये एडवांस में आ चुका, ठीक है, मतलब कि आज के बाद ऑब्जेक्ट खत्म हमारा, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं आएगा। तो ये है कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।